हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग लाइव जुड़ जाइए, फिर हम क्लास को यहाँ पर शेयर करेंगे। फिर हम क्लास को यहाँ पर शेयर कर रहे होंगे। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग हमारे साथ यहाँ पर ज़रूर जुड़ जाइए। बहुत बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पर वाईफाई स्टडी CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेस के लिए यहाँ पर हम लोग बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेस यहाँ पर अवेलेबल है। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन करिए। मैं आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हूँ, कंसेप्ट को डिलीवर करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। किसी का अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करिएगा। किसी का अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे साथ वो यहाँ पर ज़रूर शेयर करिएगा। हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं, कॉन्सेप्ट को डिलीवर करते हुए आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेस, आज हम यहाँ पर बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर कोची एलर इक्वेशन के ऊपर। टारगेट CSIR नेट विद दिसंबर 2021 एग्जाम, क्रैक CSIR नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड अकेडमी। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और मुझे है 4.5 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स लाइक CSIR नेट, IIT जैम एंड गेट। आप सभी को यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। टॉप एजुकेटर का एक्सेस अवेलेबल हो जाता है इन वन सब्सक्रिप्शन। टॉप एजुकेटर्स का एक्सेस अवेलेबल हो जाता है इन वन सब्सक्रिप्शन। आप सबको डेली लाइव क्लासेस के साथ साथ अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ योर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पर अवेलेबल होती है। लाइव क्लासेस आप सभी को यहाँ पर अवेलेबल होती है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ योर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहती है। अनअकैडमी लर्नर ऐप को आप सबने डाउनलोड करना है, उसे इंस्टॉल करना है और अपनी कैटेगरी CSIR नेट पर जाना है। वहाँ पर डियर फ्रेंड्स प्लस सब्सक्रिप्शन पे 10% का ऑफ पाने के लिए और फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए रेफरल कोड जरूर अप्लाई करें। रेफरल कोड है आप सभी के साथ केशव सर, तो केशव सर कोड को आप सभी ने ज़रूर अप्लाई करना है और ये कोड आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, केशव सर कोड। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करें तो पर्सनल कोच, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, SOV प्रिपरेशन यहाँ पर अवेलेबल होती है। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करें तो वो 26,000 फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। 26,000 फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अगर आप लोग मेरा रेफर कोड अप्लाई करेंगे तो आप सबको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल होगा। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट यहाँ पर जो है वो अवेलेबल होगा। और गेट योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्रॉम दिस कोड, बैच नंबर 5 यहाँ पर अवेलेबल है और 28 जुलाई 2021 से हम इस कोर्स को यहाँ पर जो है वो फॉलो कर रहे हैं, है ना। कंप्लीट कोर्स ऑन मैथमेटिकल साइंसेस, मेगा ऑफर आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल है। प्राइजेज भी जो है बेटा वो इंक्रीज होने वाले हैं, प्राइजेज विल बी इंक्रीज सून, प्राइजेज जो हैं वो इंक्रीज होने ही वाले हैं और स्पेशल प्राइजेस यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। कंप्लीट कोर्स ऑन मैथमेटिकल साइंसेस को आप सभी लोग जो हैं वो फॉलो ज़रूर करिएगा, है ना। फ्री स्पेशल लाइव क्लास के थ्रू फॉलो मुझे ज़रूर करिएगा, मैं आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हूँ। कंसेप्ट को डिलीवर करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम लोग CSIR नेट के लिए क्लास स्पेशल क्लास फीचर्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। स्पेशल क्लास फीचर्स को तो लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं। पोल और हैंड रेज का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल रहता है। नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स आप सभी के साथ अवेलेबल रहते हैं, एनी टाइम एनी वेयर, ये सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप लोग इनको जाकर देख सकते हैं, कुछ बैचेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, है ना। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो हम लोग आप सभी के साथ यहाँ पर
डिलीवर करते हैं। चलिए, तो हम लोग कंप्लीट कोर्स को जाकर यहाँ पर मेरी प्रोफाइल को जाकर फॉलो ज़रूर करिएगा, ठीक है? मेरी प्रोफाइल को जाकर फॉलो ज़रूर करिएगा। चलिए, हम लोग आगे की ओर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सीएसआईआर नेट मैथमेटिकल साइंसेज यहाँ पर अवेलेबल है। अटेंडेंस जरूर मार्क करिएगा, हिट द लाइक बटन। अटेंडेंस जरूर मार्क करिएगा, हिट द लाइक बटन। तो चलिए आइए, हम लोग अपने कोर्स को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने कोर्स को यहाँ पर स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर कोची आयलर इक्वेशन के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। सेकेंड ऑर्डर कोची आयलर इक्वेशन के ऊपर यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। वो क्या है? एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस ए एक्स वाई डैश प्लस बी तो ax y dash plus bx y dash plus b of y which is equal to 0 when x is greater than 0, y of x is identically 0 for all x is greater than 0 यहाँ पर अवेलेबल है, is bounded solution। आप लोगों की वो क्या है यहाँ पर? bounded solution। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, that is x को e raise to power z put करना होगा ताकि z की वैल्यू हमारे पास क्या अवेलेबल हो जाए, log x, ताकि z की वैल्यू हमारे पास क्या अवेलेबल हो जाए, log x। यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy upon dx is equal to dy upon dx which is dz into dz। यहाँ से हो जाएगा dy upon dx और यहाँ से हो जाएगा dz into dx which is equal to 1 by x dy upon dx। क्लियर है? 1 by x dy upon dx, इसका मतलब x dy upon dz को यहाँ पर हम लोग dz लिखेंगे, है ना? z का पार्शियल डेरिवेटिव dz, यहाँ पर y ही आएगा और ये z आएगा, हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होगी। तो dx upon ये नंबर which is equal to dy upon dz, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज़ इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मेरे पास यहाँ से डी एक्स और ये वैल्यू 1 बाई एक्स और यहाँ से डी वाई अपॉन डी जेड, तो यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटेंडेंस ज़रूर मार्क कर दीजिएगा, हिट द लाइक बटन। तो मेरे पास यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको डेरिवेटिव डाला और यहाँ डेरिवेटिव की फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू डाल दी, ठीक है? तो मेरे पास अब यहाँ पर ये क्या हो गया है, दिस इज़ फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन।
फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, वहां से ये वाली वैल्यू कितनी हो गई है डी वाई अपॉन डी जेड, है ना, माइनस सेकेंड का डेरिवेटिव और यहाँ से डी वाई अपॉन डी जेड, ये वैल्यू अवेलेबल है। दिस इज वन बाई एक्स और ये डी अपॉन डी जेड और ये डी वाई अपॉन डी जेड, ये वाली वैल्यू इंटू डी जेड इंटू डी एक्स, दैट इज माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी जेड की वैल्यू अवेलेबल है, दैट इज वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी जेड। तो ये माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर मैंने थ्रू आउट कॉमन ले लिया, तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है, तो ये एक्स स्क्वायर थ्रू आउट उधर चला जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स हमारे पास ये वैल्यू क्या बनी, हमारे पास ये वैल्यू बन गई एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी जेड माइनस डी वाई अपॉन डी जेड। तो टोटल जो इक्वेशन हमारे पास थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव प्लस ए एक्स वाई डैश प्लस बी ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू जीरो, इसकी जगह इसकी वैल्यू, इसकी जगह इसकी वैल्यू, इसकी जगह इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें हमारी जो वैल्यू, हमारी जो सिचुएशन है वो यहाँ पर मिल जाएगी। हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, यहाँ से डी वाई अपॉन डी जेड प्लस ए डी वाई अपॉन डी जेड प्लस बी वाई विच इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास यहाँ से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस ए माइनस वाई और यहाँ से डी वाई अपॉन डी जेड प्लस बी ऑफ वाई विच इज इक्वल टू जीरो विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट यहाँ पर अवेलेबल है। अब इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर सर हमने कल ही पढ़ा था, तो ये डी जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी वन ई रेज टू पावर लेमडा वन जेड, सी टू ई रेज टू पावर लेमडा टू जेड। सर यहाँ से सी वन ई रेज टू पावर लेमडा वन की वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी वो एक्सपोनेंशियल के टर्म में आएगी, तो चेंज करके जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वो एक्स रेज टू पावर लेमडा वन और एक्स रेज टू पावर लेमडा टू यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, लेमडा वन जेड। तो मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी एक्स रेज टू पावर लेमडा टू और ये सी टू की वैल्यू विच इज द एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स के नंबर पे ये वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है विच इज नॉन पीरियोडिक। तो ये जो नंबर है वो हमारे पास क्या अवेलेबल है, नॉन पीरियोडिक। बढ़े आगे, पक्का किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे साथ वो जरूर शेयर करिएगा। सेकंड पॉइंट के ऊपर अगर मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँ तो वाई ऑफ जेड मेरे पास क्या आ रहा था, दैट इज सी वन और ये सी टू, जेड का पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल हो रहा था ई रेज टू पावर लेमडा वन जेड, ठीक है। e रेस टू पावर लेमडा वन जेड, तो यहां से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, सी वन लॉग एक्स इंटू सी टू और यहां पर लेमडा e रेस टू पावर लेमडा वन एक्स की वैल्यू यहां पर अवेलेबल है। बढ़े आगे, पक्का, चलिए बेटा मैं सी एस आई आर की लाइव क्लास में अवेलेबल हूँ, CSIR बैच में अवेलेबल हूँ, मैं क्लास के बाद बात करता हूँ। चलिए जी, किसी स्टूडेंट का फ़ोन था एक्चुअली, तो फ़ोन तो उठा नहीं सकते इस वजह से, दिखा नहीं सकते ना कैमरा के आगे, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है जिसको हम लोग डिलीवर कर रहे थे। थर्ड पॉइंट अवेलेबल है, दैट इज y ऑफ z इज इक्वल टू e रेज टू पावर लेमडा वन z और यहाँ से c1 वन कॉस ऑफ बीटा z प्लस c2 टू साइन ऑफ बीटा z यहाँ पर अवेलेबल है। तो y ऑफ x की वैल्यू x रेज टू पावर लेमडा c1 वन कॉस ऑफ बीटा, ये बनेगा आप लोगों के पास log x प्लस c2, ये बनेगा आप लोगों के पास साइन ऑफ log x विच इज नॉन पीरियोडिक। तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज अवेलेबल है, विच इज नॉन पीरियोडिक। तो ये जो टर्म है हमारे पास, इसे हम लोग नॉन पीरियोडिक की टर्म में यहाँ पर बोलते हैं, समझते हैं और सुनते हैं। चलिए
नोट नंबर वन मैं यहाँ पर अवेलेबल कर देता हूँ, नोट नंबर वन। नोट नंबर वन में अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, जर्नल सॉल्यूशन इज नेवर पीरियोडिक, जर्नल सॉल्यूशन जो होंगे वो नेवर पीरियोडिक होंगे। फर्स्ट वन आप लोगों के पास, अब इसके ऊपर बात करिएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स। सेकेंड वन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लॉग ऑफ कॉस एक्स को लेकर। थर्ड वन अगर मैं बात करूँ आप लोगों के पास कॉस ऑफ लॉग एक्स को लेकर। और फोर्थ वन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर साइन ऑफ लॉग एक्स को लेकर, तो मेरे पास ये वैल्यूज़ क्या क्या अवेलेबल हैं। सर ये हमारे पास रह जाएगा अनबाउंडेड, है ना सर, ये वाली वैल्यू भी रह जाएगी हमारे पास अनबाउंडेड। सर ये होगा हमारे पास यहाँ पर बाउंडेड, और ये वाली टर्म हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर बाउंडेड। सिमिलरली ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर पीरियोडिक, सर ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर पीरियोडिक, है ना पीरियोडिक। और हमारे पास ये जो नंबर अवेलेबल होगा ये नॉन पीरियोडिक, है ना, और ये भी नॉन पीरियोडिक। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हर वो चीज़ जो हमें यहाँ पर बेहतरीन कंसेप्ट को डिलीवर करने में आसानी करती है। अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, हिट द लाइक बटन, अटेंडेंस ज़रूर मार्क करिएगा, हिट द लाइक बटन। चलिए जी बढ़े आगे पक्का। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसका जो अगर मैं बात करता हूँ, एवरी सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज बाउंडेड, एवरी सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू वन एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो। बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो। Every solution is bounded if and only if, if and only if a is equal to 1 and b is greater than 0. तो मेरे पास ये x square y double dash plus a x y dash plus b of x y which is equal to 0. b of x y which is equal to 0. यहाँ से हमारे पास a y dash plus, इसको मैं change करूँगा तो मेरे पास ये क्या values आ जाएंगी? सर ये values हमारे पास बनेंगी y dash, ये a माइनस वन ऑफ y डैश प्लस बी ऑफ y विच इज इक्वल टू जीरो, इसी तरीके से बनेगी। यही तो वैल्यू हमारे पास पीछे बन रही है। ओके तो इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर लैम्डा वन की वैल्यू अगर हो जाए दैट इज अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और लैम्डा टू की वैल्यू हो जाए अल्फा माइनस आयोटा बीटा, तो इसका मतलब सर लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू अगर हम बात करें तो 2 लैम्डा हो जाएगा, सॉरी 2 अल्फा हो जाएगा। सम ऑफ द रूट्स यहाँ पर वैल्यू कितनी है सर, सम ऑफ द रूट्स यहाँ पर वैल्यू हो जाएंगी 0। अगर सम ऑफ द रूट्स 0 हो गई तो इसका मतलब सर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, अगर हमने लैम्डा को ही 0 ले लिया है, अगर हमने लैम्डा की वैल्यू को 0 ले लिया है। तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ से 1 a माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1। अच्छा यहाँ से अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा 2 के बारे में बात करूँ तो वो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर तो 0 हो गया तो वो बीटा स्क्वायर विच इज पॉजिटिव नंबर, तो बीटा पॉजिटिव, बी पॉजिटिव हो जाएगा आप लोगों के पास, इस कंसेप्ट में बी पॉजिटिव कहलाएगा। बड़े आगे किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करिएगा। किसी भी फ्रेंड का अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करेगा। अच्छा फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स स्क्वेयर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस फोर वाई विच इज इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इज पॉजिटिव इज बाउंडेड प्लस पीरियोडिक। वो आप लोगों के पास क्या है, बाउंडेड प्लस पीरियोडिक है, वो आप लोगों के पास बाउंडेड प्लस नॉन पीरियोडिक है यहाँ पर, और यहाँ पर अवेलेबल है अनबाउंडेड प्लस पीरियोडिक, वो आप सभी के साथ अनबाउंडेड और पीरियोडिक है, और यहाँ पर अवेलेबल है अनबाउंडेड प्लस नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, है ना।
सर ये हमारे पास देखना सर, यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमारे को दे रखी है सर, यहाँ पर ए इज इक्वल टू 1 है और बी की वैल्यू 4 है विच इज दिस नंबर। तो मेरे पास सर यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो कॉन्स्टेंट और ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब सर वो बाउंडेड है और इसका सॉल्यूशन नॉन पीरियोडिक आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल था। ओके ओके जी, अब एक और क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज एक्स स्क्वेयर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस 4y विच इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर एंड वाई ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 0 एंड वाई ऑफ ई रेज टू पावर पाई बाई 2 e raised to power pi by 2 which is equal to 0 and y dash plus e minus 1 y dash plus b of y which is equal to 0 which is y dash plus 4 of y which is equal to 0 which is m square plus 4 which is equal to 0। सर ये क्या वैल्यू हुई हमारे पास यहाँ पर? सर ये पूरी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास जो अवेलेबल हो रही है इसमें हमने ये 4y की वैल्यू, क्योंकि ये x की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो a में 1 माइनस 1 0 हो गया, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई है? प्लस माइनस 2i। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई है? प्लस माइनस 2i। इसका मतलब y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड y ऑफ e रेज टू पावर पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 0। सी 1 इज इक्वल टू 0 और ये वाला नंबर यहाँ पर अवेलेबल है। सी वन की वैल्यू जीरो होते ही हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी टू और ये नंबर बनेगा साइन ऑफ 2 log 2 की वैल्यू यहाँ पर हमें अवेलेबल हो रही है, साइन ऑफ 2 log 2। क्लियर कंफर्म? किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करिएगा, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं, कंसेप्ट को डिलीवर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कंसेप्ट को डिलीवर करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब सर अकॉर्डिंग टू सी टू और डिपेंडिंग अपॉन सी टू, तो इसका मतलब हैंस दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, उसके पास जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस यहाँ पर अवेलेबल है। बढ़े आगे, पक्का डन? किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे साथ वो जरूर शेयर करिएगा, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल है। यस एवरीवन, किसी का अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे साथ वो जरूर शेयर करते हुए आगे जरूर बढ़िएगा, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं, कंसेप्ट को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं, अपने कंसेप्ट को और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पॉलिश करते हैं, है ना। तो ये सारी सिचुएशन है जो हम लोग यहाँ पर डिलीवर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं एक और। इफ द लेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई डबल डैश प्लस ए एक्स वाई डैश प्लस बी ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 such that is every
सॉल्यूशन इज पॉलिनोमियल फॉर्म, पॉलिनोमियल फॉर्म का है वो यहां पर, पॉलिनोमियल फॉर्म. लेट फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू ए विच इज कंटेन्ड इन आर स्क्वेयर, विच इज कंटेन्ड इन आर स्क्वेयर, देन फर्स्ट ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है, ए इज फाइनाइट. सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल है, ए इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी. थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है, ए इज काउंटेबली इनफाइनाइट, ए इज काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट. ऑप्शन नंबर डी यहां पर अवेलेबल है, ए इज अनकाउंटेबल. ए इज अनकाउंटेबल. इसके ऊपर यहां पर हम लोग चर्चा करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं. चलिए बहुत बढ़िया. किसी का अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करिएगा. किसी का अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करिएगा. ओके, तो सर हम इसके अब सॉल्यूशन को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं. सर अब हम इसके सॉल्यूशन को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं. दैट इज़ वाई ऑफ एक्स मेरे पास अगर हो यहाँ पर केस नंबर वन, सी वन एक्स लैम्डा वन प्लस सी टू एक्स लेमडा टू, एक्स रेस टू पावर लेमडा वन. मेरा कहने का मतलब था यहाँ पर सी वन एक्स रेस टू पावर लेमडा वन प्लस सी टू एक्स रेस टू पावर लेमडा टू, ये पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है. लेमडा वन बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेमडा टू भी जो है वो रियल नंबर से अवेलेबल है. इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर लेमडा वन प्लस लेमडा टू भी जो है वो भी रियल नंबर से अवेलेबल है, और उनका प्रोडक्ट भी जो है लेमडा वन और लेमडा टू का जो प्रोडक्ट है वो भी हमारे पास कहाँ से अवेलेबल है, रियल नंबर से अवेलेबल है. येस और नो? यस सर. इसका मतलब सर ये वन माइनस ए विच इज बिलोंग्स टू रियल, सिमिलरली बी बिलोंग्स टू रियल नंबर यहाँ पर अवेलेबल है. इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ से ए भी जो है वो रियल नंबर ही आ रहा है और बी तो हमारे पास आ ही रियल नंबर रहा है. इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर ए जो है वो हमारे पास रियल नंबर से आ रहा है और ये जो स्मॉल बी है ये भी हमारे पास रियल नंबर से आ रहा है, सच दैट एवन कॉमा बी टाइप का जो एलिमेंट है वो भी हमारे पास आर स्क्वायर से बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब ए की जो कार्डिनलिटी है वो आप लोगों के पास जो है वो यहाँ पर अनकाउंटेबल है. ए जो है वो हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल. ठीक है, तो हमारे पास जो ये ऑप्शन जो अवेलेबल है वो ऑप्शन नंबर डी पर पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है. बढ़े आगे. पक्का किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करिएगा. हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल है. किसी भी मेरे फ्रेंड का अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे साथ वो यहाँ पर ज़रूर शेयर करिएगा. हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं. कंसेप्ट को डिलीवर करते हुए आगे की ओर यहाँ पर बढ़ रहे हैं. कंसेप्ट को डिलीवर करते हुए हम लोग आगे की ओर यहाँ पर बढ़ रहे हैं. किसी भी मेरे फ्रेंड का अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा.
चलिए बहुत बढ़िया। किसी भी फ्रेंड का अगर कोई भी डाउट है, अटेंडेंस जरूर मार्क करेगा हिट द लाइक बटन। हिट द लाइक बटन, अटेंडेंस जरूर मार्क करिएगा। ओके चलिए और आगे बढ़ते हैं। इन जनरल वे में हम अगर यहाँ पर डिस्कशन करें, इन जनरल वे में अगर मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँ, फर्स्ट पॉइंट दैट इज ए नॉट एक्स रेज टू पावर एन, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस नंबर, प्लस ए वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, डी एन माइनस वन ऑफ वाई डी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, प्लस ए एन माइनस वन ऑफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए एन वाई विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्स को ई रेज टू पावर जेड पुट किया था, एक्स को ई रेज टू पावर जेड पुट किया था। तो यहाँ से यही लिख देते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। मेरे पास ये वैल्यू कितनी आई थी, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू डी डैश, है ना। तो यहाँ से हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज डी डैश माइनस वन, है ना, और अप टू सो ऑन एक्स रेज टू पावर एन, और ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस नंबर विच इज इक्वल टू डी डी डैश माइनस वन डी डैश माइनस वन अप टू सो ऑन डी डैश एन माइनस वन। ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है, क्लियर है, कंफर्म। अटेंडेंस जरूर मार्क करेगा हिट द लाइक बटन। तो ये पॉसिबिलिटी है जिसको हम लोग पुट कर सकते हैं। हम लोग इसको बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अवेलेबल करवाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सिमिलरली मेरे पास एक और यहाँ पर पॉइंट अवेलेबल है, दैट इज ए नॉट प्लस ए प्लस ए नॉट इंटू ए प्लस बी एक्स रेज टू पावर एन, nth ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस ए वन, और ये ए प्लस बी एक्स की पावर हो एन माइनस वन, और nth ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस नंबर, प्लस अप टू सो ऑन ए एन माइनस वन ए प्लस बी एक्स ए प्लस बी एक्स, और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए एन वाई विच इज इक्वल टू जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से ए प्लस बी एक्स विच इज इक्वल टू ई रेस टू पावर जेड, और यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ गई है, लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स, लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स विच इज डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स डी जेड इंटू डी जेड। तो यहाँ से हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर जो वैल्यू हुई है वो डी जेड की वैल्यू डी एक्स पर अवेलेबल हो गई है। तो डी वाई अपॉन डी जेड और मल्टीप्लाइड बाय बी अपॉन ए प्लस बी एक्स का पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ से ए प्लस बी एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी डी वाई अपॉन डी जेड का ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको हम लोग b इंटू डी डैश का पॉइंट यहाँ पर कहेंगे। हेलो जी श्याम, सत्यराम, विश्वकर्मा, अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा हिट द लाइक बटन। ओके तो आप लोगों के पास है ये a प्लस बी एक्स रेज टू पावर टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर डी डैश, और ये डी डैश माइनस वन बी स्क्वायर, और ये डी डैश डी डैश माइनस वन, लाइक दिस। हम इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, डन। बढ़े आगे, किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करिएगा। हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं, कंसेप्ट को डिलीवर करते हुए आगे की ओर यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद अस, हैव अ नाइस डे, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय।